हम सही है, रिकॉर्डिंग ला लिए। अगला टॉपिक है प्रेशर, मतलब दबाव किसी भी चीज पे। हाँ जी, तां प्रेशर की होता है जदों वी अप्लाई नहीं रहा जी, मॉर्निंग टाइम तक कोई क्लास नहीं होती। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया देन इट इज कॉल्ड प्रेशर। जदों दबा जदों बल किसी निश्चित एरिए ते लगता है जदों दबाव किसी निश्चित एरिए ते लगता है तां उस चीज़ नूं आपां की कहने आ। तां उस चीज़ नूं दबाव कहा जाता है। आपां उस चीज़ नूं की कहने आ, दबाव। ठीक है जी, रजी एक मिनट। रजी हुण चेक करो, हुण आवाज सही आ रही है रजी? पहला तो प्लीज आह कंफर्म करियो आवाज का। हाँ जी राजे, ग्रैविटेशन वाले चैप्टर के दो पार्ट ने, ग्रैविटेशन ते प्रेशर। ग्रैविटेशन वाला पार्ट आपा कल कर लिया सी, ते हुण अपने कोल प्रेशर चल रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 आवाज क्लियर है? ठीक है जी, चलो। प्रेशर दा फॉर्मूला हुंदा है फोर्स अपॉन एरिया, किन्ना बल लग रहा है बटा किन्ना क्षेत्रफल। ते कई बुक्स दे विच इनू लिखिया हुंदा है थ्रस्ट अपॉन एरिया। ते जे थ्रस्ट लिखिया होवे ना,
हाँ जी हाँ जी राजे, मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहो। तुसी कई बुक्स दे विच लिखिया हुंदा है प्रेशर सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। राजे इहदे च की हुंदा है सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आह चीज तो राजे पढ़ी नहीं मैं। प्रेशर नूं आपां नॉर्मली लिखते हाँ फोर्स अपॉन एरिया, या फिर इनू लिख देंदे ने थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, ते थ्रस्ट ते फोर्स लगभग इको चीज होंदी है। हाई ओशियन एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम। हाँ राजे जसवीर जी, मैं चेक कर देंगे एक बारी, अगर कुछ होया तो फिर तुहानू जरूर दस देंगे। थ्रस्ट दा मतलब हुंदा है फोर्स, या फिर जदों फोर्स परपेंडिकुलर लगे, जदों फोर्स परपेंडिकुलर लगती होवे उन्हों आपा की कहांगे प्रेशर। ठीक है जी, ते प्रेशर दे यूनिट की हो गए, प्रेशर दे यूनिट की हो गए SI यूनिट ऑफ प्रेशर। फार्मूला की हो गया फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन, ते एरिया दा मीटर स्क्वायर यह बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ते इनू आपां हिसाब किताब दे नाल पास्कल भी कह दिंदे आ। ठीक है, इनू आपां की कह दिंदे आ पास्कल। ओके राजे, जदों फोर्स किसी भी जगह ते 90 डिग्री ते लगती है ते उनू आपां कह दिंदे आ। ओके, थ्रस्ट नूं ना पंजाबी विच उवें कह दिंदे लंब फोर्स, इन्हें कोई पर्टिकुलर पंजाबी विच नाम नहीं हुंदा, या शायद किसी बुक विच कुछ लिखे होवे तां मतलब मैं श्योर नहीं हाँ, पर जदों फोर्स किसी भी सतह ते 90 डिग्री ते लगती, 90 दे कोण ते लगती होवे ते उस फोर्स नूं आपां की कह दिंदे आ थ्रस्ट। हाँ जी, क्लीयर है नी चीज? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਪਿਓਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ, NCERT ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਥਰਸਟ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਸਟ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਫ 90 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਐਕਟਸ ਔਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ 18 ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ?
90 एरिया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 5 पास्कल, जो मर्जी लिख तो दोनों ही सही नहीं। हाँ जी अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन ऑफ 50 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन हिज टू लेग्स, एक पर्सन है जिंदा 50 किलो वजन है, मास है जो दो लत्तां ते खड़ा है, कैलकुलेट प्रेशर इफ एरिया ऑफ 1 फुट इज 0.2 मीटर स्क्वायर। हाँ जी हुण दसो प्रेशर कितना होएगा, हाँ जी 250 पास्कल, चेक कर लो, सोच विचार लो। क्वेश्चन है राजे, एक बंदा जिहदा 50 किलो वजन है, ठीक है मेरा जे पंजाबी भी लिख देना, पंजाह किलोग्राम पुंज है ते एक पैर दा खेत्रफल 0.2 है ते दबा पता करो। हाँ जी हुण क्वेश्चन रिपीट, समझ आ गया राजे? ਹਾਂਜੀ ਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 250 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 90 ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, 250 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 120 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
हाँ जी राजे, चलो मैं करवाना शुरू करदा, हुणे पता चल जांदा है। राजे उन्होंने पहला की दिता है 50 किलो, 50 किलो हुण की हुंदा है, मास हुंदा है। तो पहला आपां नूं एफ इज इक्वल टू एम जी ला के फोर्स कढ़नी पैनी है, 50 × 9.8 ए बन गया 490 न्यूटन। ठीक है जी, एरिया हुण एक पैर का एरिया 0.2 है, तो दो पैरों का एरिया किन्ना होएगा 0.2, यह बन गया 0.4। हुण आ जाओ प्रैशर, प्रैशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स किन्नी है 490 डिवाइड बाय 0.4, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1225 ਪਾਸਕਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 1225 ਪਾਸਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? हाँ, बज ने 1250 आया सी, ओदा सही है राजे, उन्हें जी दी वैल्यू 10 लैके चलिया हुण। जी तो 1250 सी जेड़े बच्चे दा। हाँ जी, हाँ जी राजे, समझ आई इनी गल? चलो इहदे नाल दा एक होर क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ मैं राजे रिपीट कर देना, रिपीट करता, रिपीट एक क्वेश्चन होर करते हैं राजे, ये नाल दा ही एक क्वेश्चन होर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये नाल दा होर करते हैं। राहुल जी उही क्वेश्चन उस ही फॉर्मेट वाला होर तरीके नाल करते हैं, थोड़ा हौसला रखो। एक हाथी जिस दा पुंज 380 kg है, ते ओहो आपदे चार पैरां ते खड़िया है। एक पैर दा खेतरफल 0.4 meter square है, तां दबा किन्ना होएगा? हाँ जी, हुण जिन्हां जिन्हां नूं राजे समझ आया सी पिछला, ओह ते आपदे करने शुरू कर दिओ, जिन्हां नूं नहीं समझ आया सी ओह माड़ा माड़ा ध्यान दिओ।
राजी सॉल्व हो रहा या नहीं हो रहा? राजी किदा किदा सॉल्व नहीं होया? ओके जसवीर जी नहीं समझ आया ना तो हूँ मैं समझाना हाँ आराम नाल समझो। प्रेशर का मतलब होंदा है फोर्स बटा एरिया। आपां इनू एक बल चाहिए है ते एक खेत्रफल चाहिए, ठीक है जी। तो एफ इज इक्वल टू एम जी मास इंटू जी की वैल्यू। मास की वैल्यू हैगी 380 ते जी की वैल्यू हैगी 9.8। आह दो चीजें समझ आ गई जसवीर जी, पहला ये दसो राजे आह इन्नी गल समझ आ गई। इन्नी न्यूटन फोर्स आ गई। हुण एरिया एक पैर का एरिया 0.4, वह चार पैरों से खड़े है। 4 × 0.4 1.6 meter square आह आ गया एरिया, आ गई फोर्स। दोवों नूं पुट करो, यह बन गया 2327.5 pascal। हाँ जी जसवीर कौर ते राहुल जी समझ आ गया राजे? एक पॉइंट छे का तो रिमूव करना राजे। राजे उवे कर लो 16/10 करके। उवे भी हो जाने कि उवें दस दें राजे अपने को आह चीज है। ओके मीना जी चार राजे एक पैर का एरिया इन्ना है, चार पैरों का किन्ना होएगा? 4 × 0.4 तो 1.6 बन गया। हूँ 3724/1.6
जे आह पॉइंट हटाने आता 16/10 ते 10 इतने आ जाएगा। हाँ जी राजे, हूँ आह क्वेश्चन रिपीट हो गया राजे, जो इवें करोगे तो आंसर इस बारी भी उन्ना ही आएगा। हाँ जी हुण क्लीयर होया, चलो ठीक है। हुण अगला क्वेश्चन है राजे, ए बॉक्स हैज डायमेंशंस ऑफ 5 × 10 × 20 सेंटीमीटर। एक डब्बा है जिदी एक डब्बे दी लंबाई चौड़ाई ते ऊंचाई 5 × 10 × 15 × 20 ने, ठीक है। हुण क्वेश्चन ये है, इस नू किस साइड रखिया जाए, तां जो दबाव यानी कि प्रेशर घट तो घट होवे। जो प्रेशर मतलब दबाव घट तो घट हो, ठीक है। तो ऑप्शन ने बी 5 × 10 वाली साइड रखिए, 10 × 20 वाली साइड रखिए, या 5 × 20 वाली साइड, या फिर सेम प्रेशर रहेगा। अरे जो भी डब्बे नु थले रखांगे ता कोई ना कोई साइड तो थले आएगी, दो साइडा। वो कहते पहली बारी 5 × 10 वाली साइड नीचे रखी, या फिर 10 × 20 वाली साइड नीचे रखी, या 5 × 20 वाली साइड नीचे रखी, केड़ी साइड रखांगे तो प्रेशर घट पाएगा, केड़ी साइड रखांगे तो प्रेशर घट पाएगा। कि एक दो बच्चों के जवाब आ रहे ने सैकेंड ऑप्शन, बाकी की करते ने राजे। आह चीज मान के चलो बई प्रेशर जिहड़ा है राजे सेम नहीं रहेगा। प्रेशर का मतलब होंगे फोर्स बटा एरिया, फोर्स हरेक बारी सेम रहेगी पर एरिया जे इस साइड पिया है तो एरिया 50 होएगा, इस साइड पे है तो एरिया 200 होएगा, इस साइड पे है तो एरिया 100 होएगा, ठीक है। हुण कुछ भी मान लो ठीक है, तो तुहानू आपे ही आंसर पता लग जाएगा। मान लो उहदा जिहड़ा वजन है या फोर्स है 1000 लग रही है, मान लो फोर्स किन्नी है 1000, ठीक है। जे 1000 है तो प्रेशर किन्ना होएगा पहली बारी प्रेशर किन्ना होएगा 1000/50 ये बन गया 20। दूजी बारी प्रेशर कितना होएगा 1000/200 ये बन गया 5। ते तीजी बारी प्रेशर कितना होएगा 1000/100 ये प्रेशर बन गया 10। एरिया वधेगा तां प्रेशर घटेगा ही घटेगा, एरिया वधेगा तां प्रेशर घटेगा ही घटेगा। आह गल समझ आ गई राजे।
हाँ जी चलिए नेक्स्ट, चलो अगे एक छोटा जहा कंसेप्ट आता है डेंसिटी वाला कंसेप्ट, डेंसिटी कह लो या बायोंसी वाला कंसेप्ट, ठीक है। डेंसिटी का मतलब होंगे घनता, बायोंसी वाला आप पढ़ते हैं यही होंगी किसी चीज की, किसी चीज डुबण दी या फिर तैरन दी समर्था। तां हुण डेंसिटी का फार्मूला होंदा है मास बटा वॉल्यूम, किसी चीज का पुंज बटा किसी चीज का आयतन। हाँ जी राजे जसवीर जी की हो गया राजे, सर एदे विच अर्थ ऑर्बिट, रजे ए अर्थ नहीं आती, ऑर्बिट वाला कंसैप्ट नहीं आता, ए सिर्फ सिर्फ कैपलर के तीन ला आते हैं वह आप करने नहीं, कैपलर के तीन ला वह आप करने नहीं, ठीक है। तो वो कैपलर के तीन ला दे ही वह सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला टॉपिक आता वह आप अजे करना है, कैपलर के तीन ला आप अजे करने हैं, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी बेफिक्र रहो रहे जी, वो करवाए जाएंगे, वो कैपलर के तीन ला आप करने ने। हाँ जी हाँ जी बेफिक्र रहो रहे जी, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अरे टेंशन बड़ी लेंदे हो रहे, हम डेंसिटी अपने को बनी पुंज, पुंज दे यूनिट मास बटा मास दे यूनिट केजी, ते आयतन दे यूनिट मीटर क्यूब, ते यह दे यूनिट की बन गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हुण की हुंदा है जदों कोई एक चीज ठीक है डेंसिटी होगी, डेंसिटी दे यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। ते कई बार एवें पूछ लैंदे ने इहदे सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट किलोग्राम आप की बना देंगे ग्राम, ते मीटर क्यूब नू सेंटीमीटर क्यूब ता की बन गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ते पूछ लैन एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे विच किन्ने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो एक बटा हजार, एक बटा हजार। हुण बायोंसी की हुंदी है, जदों दो चीजा होण, एक लिक्विड होवे ते दूजा भी लिक्विड होवे, जां एक लिक्विड ते दूजा सॉलिड होवे, तां हुण इस लिक्विड दे उपर इस सॉलिड ने तैरना है जां फिर डुबना है। अगर तीन कंडीशन हो सकदियां ने, पहले दी डेंसिटी ते दूजे दी डेंसिटी, जेकर ता बराबर ने ता ओ ओदी सतह ते फ्लोट करेगी, सतह ते तैरेगी, ठीक है। आह मान लो डी वन है,
ਤੇ ਆਹ ਡੀ ਟੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀ ਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡੀ ਟੂ ਨਾਲੋਂ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੀ ਵਨ ਘੱਟ ਹੈ ਡੀ ਟੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਮਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਵੇਂ ਆਏਗਾ ਬਈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5.5 ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 13.6। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ 5.5, ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ 13.5। ਜੇ ਥੱਲੜੇ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਰਜਨੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੇਖਣੀ 5.5, 5.5 6 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ, 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਣੀ, ਜੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਰਜਨੀ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਰਜੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਇਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ
जदों कोई भी वस्तु पानी विच डुबदी है तां उहो अपने, ठीक है, वैसे सही सही लिखा जाता है, आयतन दे बराबर पानी विस्थापित करती है। ठीक है, ते फिर उस आयतन नू आपां ओदी डेंसिटी नाल मल्टीप्लाई करके ते आपां की कर लेंगे, वेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, ता इस नू यूज करके आपां, इस चीज नू आपां यूज करके ते आपां किसी भी चीज का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इन्नी गल समझ आ गई। ओके रजी, आवाज कट हो रही है। ठीक रिपीट करना, जदों भी किसी वस्तु नू पानी दे विच रखते हाँ या किसी भी चीज नू पानी विच डुबाते हाँ ता जिन्ना उदा आपदा आयतन है अपने आयतन दे बराबर ओ की करेगी, पानी नू डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, इनू आप एक एग्जाम्पल नाल समझते हैं। मान लो आह पानी है, एक सिलेंडर च पानी है, ते सिलेंडर ने ते सामने ना साइडां ते स्केल लग्या है, जिवें आह 100 ml हो गया, 200 ml हो गया, 300 ml हो गया। ठीक है, हुण मान लो इहदे विच 300 ml पानी है। ठीक है, मैं इहदे विच 100 cm³ की कोई चीज पा देवां, 100 cm³ 100 ml दे बराबर हुंदा है, यानी कि 1 cm³ 1 ml ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 cm³ 1 ml ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੈ 100 cm³ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 400 ਤੱਕ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 400 ਤੱਕ। 100 ਕਿਹੜਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 100 ml ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ? ਰਾਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? रजे कोई डाउट? ठीक राइज मतलब ऊपर उठ जाएगा रजे, आहा इन्ना इन्ना राइज हो गया, राइज का मतलब होएगा ऊपर उठ जाना। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ
ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਲਰ ਲਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਓਕੇ SST ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਾਜੇ ਥਰਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰਸਟ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਦਾ ਜੇ ਆਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ SST ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ SST ਦੀ ਕਲਾਸ CSIM ਵਾਲੇ ਸਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਐਡ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ SST ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ